कभी आपने गौर किया है कि अच्छे लोगों की, शिक्षित लोगों की या बुद्धिजीवियों की दोस्ती लंबे समय तक नहीं टिकती। इसके विपरीत नशेड़ी, गंजेड़ी, शराबी, इनकी दोस्ती लंबी टिकती है। और अगर विवाद हो भी जाए तो शाम की महफिल में सब सामान्य हो जाता है। मुझे कहानी याद आती है। होता यूं है कि एक बार दो विद्वान किसी राजा के दरबार में पहुँचते हैं। जब तड़के सुबह एक महानुभाव स्नान को जाते हैं तो राजा एक विद्वान से कहते हैं कि महाशय, आप तो बड़े विद्वान हैं, आपके साथ रहने वाले भी क्या उतने ही बड़े विद्वान हैं? यह सुनकर पहले वाला सज्जन बोलता है कि महाराज, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं विद्वान तो हूँ, पर क्या कहूँ, इतने दिनों की संगति में भी वो गधा का गधा ही रह गया। खैर, जब दूसरे सज्जन स्नान करके लौटे तो पहले वाले सज्जन स्नान की तरफ प्रस्थान करने चले गए। जब राजा ने फिर पूछा दूसरे सज्जन से कि महाशय, आप तो बड़े विद्वान प्रतीत होते हैं, और आपके साथ वाले व्यक्ति जो अभी स्नान कर रहे हैं वो भी विद्वान ही हैं क्या? तब पहले वाले सज्जन भड़क उठे और चीख कर बोले, वो काहे का विद्वान, घोड़ा है घोड़ा, मेरे जैसा विद्वान के साथ रहकर भी उसकी मति वैसी की वैसी है। शाम को खाने की टेबल पर तीनों बैठे, एक को घास फूस एवं दूसरे को सूखे पत्ते परोसे गए तो दोनों ने राजा से पूछा कि ये क्या है? तब राजा ने कहा कि महाशय, अपना परिचय आप लोगों ने खुद घोड़े और गधे के रूप में दिया है, तो भोजन वैसा ही करेंगे ना। तात्पर्य यह है कि प्रशंसा मनुष्य सदैव अकेले लेने को उत्सुक रहता है, वो सफलता का श्रेय कभी दूसरे को नहीं देना चाहता, जबकि नशेड़ी, गंजेड़ी, शराबी सदैव ग्रुप में मिलकर मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। उनसे पूछो कि आपके साथ और कौन कौन था तो वो सबों का नाम फटाफट ले लेंगे। अपमान या बेइज्जती में आदमी अकेले नहीं रहना चाहता, जबकि सम्मान सबको अकेले चाहिए। इसलिए सच्चाई या सच्चे लोग हमेशा बिखरे हुए असंगठित मिलेंगे, और बुराई या बुरे लोग हमेशा संगठित रहते हैं।